पांच अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कटघरे में रिया चक्रवर्ती हैं, लेकिन अभी तक समन सीबीआई की ओर से नहीं भेजा गया है उन्हें, जबकि ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर नारकोटिक्स विभाग की टीम अब जांच पड़ताल करने वाली है। सुशांत को इंसाफ मामले में अब संदीप पर भी सवाल। ये वो शख्स है जिसने मीडिया में आकर खुद को सुशांत का सबसे करीबी दोस्त बताया था, लेकिन अब शक की सुई में संदीप सिंह भी है। वहीं सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है और आपको बताते चले, आज कई लोगों से पूछताछ कर पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश में सीबीआई की टीम लगातार लगी हुई है। लेकिन सुशांत को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, पूरे मामले की पड़ताल कर रही सीबीआई की टीम ने फिलहाल इसका कोई जवाब अब तक नहीं दिया है। लेकिन नजर इसी बात पर कि जिस तरह से एक्शन में है सीबीआई की टीम, बहुत जल्द पूरे मामले की तह तक वो पहुंच जाएगी और इस बात का खुलासा होगा कि रहस्यमयी मौत के पीछे की वजह क्या है। आज सीबीआई ने कुल 7 लोगों से पूछताछ भी की है। पिछले 5 दिनों में आज सबसे ज्यादा पूछताछ की गई है। ये देखिए, ये तमाम चेहरे, नीरज सिंह के अटेकर सिद्धार्थ पिठानी दोस्त, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। नीरज सिंह यही वो शख्स जिसने आखिरी बार जूस और पानी का ग्लास देखा, यानी कि जिंदा आखिरी बार सुशांत को देखने वाला नीरज सिंह ही है। इसके अलावा दीपेश सावंत जो कुक है उससे भी पूछताछ की गई, केशव से भी पूछताछ की गई है। ये तमाम वो लोग हैं जिनसे सवालों की लंबी फहरिस्त के साथ सीबीआई पूछताछ कर रही है। सुशांत का सीए संदीप श्रीधर और अकाउंटेंट रजत मेवाती, इनसे भी सीबीआई की टीम ने आज पूछताछ की है। आज कुल 7 ऐसे लोग रहे जिनसे सीबीआई ने सवाल जवाब किए हैं। पिछले 5 दिनों में आज सबसे ज्यादा पूछताछ की गई है, यानी कि किसी दिन 2 लोगों से पूछताछ हुई, किसी दिन 3 लोगों से, लेकिन आज 7 लोगों से पूछताछ की गई है। और ये देखिए, हाउस मैनेजर सैमन मिलांडा और इसके अलावा कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई है। कूपर अस्पताल पहुंची हुई थी सीबीआई की टीम और आज ये आपको बताते चले, कई डॉक्यूमेंट्स पेपर्स लेने के बाद कूपर अस्पताल से फिर वो बाहर निकल आई। चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए पीएम जिन डॉक्टर्स ने किया था उन सभी से पूछताछ की जा रही है।